जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन। यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रोज लाइव क्लास होती हैं आपकी वर्ग 3 टेट से संबंधित, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि रोज 2:30 पर दोपहर में एक आपकी लाइव क्लास होती है बाल विकास से संबंधित, ठीक है। शाम को 6:30 आपकी लाइव क्लास होती है पर्यावरण और बाल विकास से संबंधित। रात्रि 9 हिंदी से संबंधित क्लास होती है और रात्रि 12 आपकी करंट अफेयर से संबंधित क्लास होती है। तो इन क्लासों से जो भी जुड़ना चाहते हैं जरूर जुड़ें, है ना। सर्च करना है यूट्यूब पर सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन, और टेलीग्राम ग्रुप से जिसको भी जुड़ना है, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करो, उसमें सर्च करो IAS स्टडी ट्रैक और ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। सभी लोगों को ज्वाइन होना है। किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता, जल्दी बताओ। कौन से विटामिन की कमी से घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता है? तो ये हमेशा पूछा जाता है विटामिन के की कमी से, है ना। सभी लोगों को ए पर्यावरण का हमारा पार्ट 3 है, तो सभी लोग पार्ट और आगे के पार्ट भी देखते जाएं। तो विटामिन के की कमी से घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता, ठीक है। विटामिन के की कमी से घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता है। इस विटामिन का मुख्य कार रक्त के थक्के जमाना है। प्रोथ्रॉम्बिन रसायन की उपस्थिति में रक्त जम जाता है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? नेप्टोक्विनोन। आपको याद रख लेना, आपसे पूछा जाएगा, है ना, कि कौन सा विटामिन है जो रक्त का थक्के जमाने के लिए उपयोग होता है, तो वो है विटामिन के। और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो नेप्टोक्विनोन है, ठीक है। और विटामिन कौन से विटामिन की कमी से रक्त से जो है घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता, तो उसका उत्तर भी क्या हो जाएगा? विटामिन के। तो इस प्रकार से कई प्रकार के आपके यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रक्त का थक्का बनने में सहायक है। देखो, नेक्स्ट प्रश्न यही आया है कि रक्त के थक्का बनने में जो सहायक है वो विटामिन के है। इस प्रकार से भी आपका क्वेश्चन होगा, ठीक है। हाँ, रक्त का थक्का जमाने में विटामिन के सहायक होता है। विटामिन के में उपस्थित तत्व प्रोथ्रॉम्बिन रक्त का थक्का जमाने का मुख्य अवयव होता है। इस विटामिन के मुख्य स्रोत हैं दूध, मक्खन, अंडा, आलू, टमाटर, पालक, हरी सब्जियां आदि। इस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है और अधिक रुधिर स्त्राव होने लगता है। तो ये विटामिन के बारे में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक अध्यापक आलू, चावल, ब्रेड व शक्कर के उदाहरणों का सहारा लेता है तो भाई क्या पढ़ाना चाहता है, जल्दी बताओ। प्रश्न क्रमांक 23 का उत्तर क्या होगा? तो उत्तर होगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट यानी कि जो विकल्प नंबर 2 है वो इसका सही होगा। अध्यापक कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ाना चाहता है क्योंकि जो है आलू, चावल, ब्रेड, शक्कर सभी कार्बोहाइड्रेट के मुख्य जो है स्रोत माने जाते हैं, है ना। तो सभी को याद रख लेना है कि आलू, चावल और ब्रेड के बारे में अगर बता रहा है तो एक कार्बोहाइड्रेट को पढ़ाना चाहता है कौन? अध्यापक। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता? तो फिर आपका आया है उत्तर आएगा के, ठीक है। इस प्रकार से जो विटामिन है आपके भोजन से संबंधित, जो भोजन है हमारा, भोजन आपका पर्यावरण का एक टॉपिक है सिलेबस के अनुसार, तो उसमें आपके रमन को उसके पड़ोसी ने 4 किलो आंवला उपहार में दिए, वह मुरब्बा बनाने की योजना बनाता है, उसे किस तकनीक को अपनाने की जरूरत है? संरक्षण, अपघटन, परीक्षण या फिर पाश्चरीकरण? तो उत्तर होगा परिरक्षण। परिरक्षण यानी कि जो विकल्प नंबर 2 है वो इसका सही। भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक ताजा और सुरक्षित रखने की विधि को कहा जाता है परिरक्षण। याद रख लेना, आपको जो भोज्य पदार्थ हैं उनको लंबे समय तक ताजा और सुरक्षित रखने वाली विधि क्या कही जाती है? परिरक्षण कहा जाता है इसे। भोज्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए उसका परिरक्षण आवश्यक है। इस विधि में सिरका तथा तेल नमक के प्रयोग से मुरब्बा, अचार और संरक्षित किया जाता है। अतः रमन को आंवले का मुरब्बा बनाने में परिरक्षण तकनीक को अपनाने की जरूरत है। इस प्रकार से सभी प्रकार के जो क्वेश्चन आपके जितने प्रकार से बन सकते हैं उन सभी को आपको बिल्कुल तैयार रहना है, बढ़ते जाना है, विस्तृत रूप से है। निम्नलिखित में से कौन सी खुराक में प्रोटीन आधिक्य में नहीं है, जल्दी बताओ। पनीर में, शुद्ध घी में, दालें या फिर मांस में? तो शुद्ध घी में प्रोटीन की मात्रा 0 होती है, अर्थात शुद्ध घी प्रोटीन का स्रोत नहीं है। जबकि दाल में प्रोटीन की मात्रा 20 से 35%, मांस में 8 से 20 तथा पनीर में लगभग 9% होता है, ठीक है। तो सभी को याद रख लेना, यहाँ पर विकल्प नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अब हमें सुमेलित करना है, कटे और घाव
सामान्य ज्वर, आंख की सूजन, दांत का दर्द। तो जल्दी से कौन सा इसका सही हो जाएगा? इसका विकल्प नंबर डी सही होगा। डी मतलब एक का जो होगा वो दूसरा हो जाएगा, एक का दूसरा। तो हल्दी के चूर्ण से कटे और घाव हल्दी के चूर्ण से। और बी का जो हो जाएगा वो क्या होगा? तीसरा। तीसरा मतलब हो जाएगा सामान्य ज्वर, मेथी के बीजों की चाय से, ठीक है। और आँख की सूजन, इसका ताज़ा धनियों के बीजों से, ये इसका सही हो जाएगा, ठीक है। और दांत का दर्द, इसका हो जाएगा हींग का चूर्ण से। तो ये सभी रोग हैं जिनको ठीक करने का सामान्य उपचार है ना, इनको हमें सुमेलित करना था। तो ये सभी चीज़ें याद रखनी है कि यहाँ कटे का कटे और घाव हल्दी के चूर्ण से, सामान्य ज्वर मेथी के बीजों से, आँख की सूजन ताजे धनियों के बीजों से, दांत का दर्द हींग का चूर्ण से। प्लेग क्या है? प्लेग ये हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन, प्लेग क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, ये जीवाणु जनित बीमारी है। प्लेग क्या है? जीवाणु जनित बीमारी है। एक जीवाणु जनित बीमारी है, यह एक संक्रामक रोग है जो पास्टूरेला पेस्टिस नामक जीवाणु के कारण होता फैलता है। इससे मानव का फेफड़ा प्रभावित होता है। चूहा प्लेग रोग का वाहक होता है। इसका अन्य नाम ब्लैक डेथ, टाउन पेस्ट भी है। आदमी को यह रोग प्रत्यक्ष संसर्ग अथवा पिस्सू दंश से लगता है। यह तीव्र गति से बढ़ता है। यह कभी कभी निमोनिया का रूप भी धारण कर लेता है। तो आपसे जीवाणु जनित बीमारी है प्लेग, याद रख लेना है विकल्प प्रश्न क्रमांक 28 का उत्तर। अगला क्वेश्चन है, ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? ज्वर नियंत्रण में तो ब्रूफेन, बी कॉम्प्लेक्स, पैरास्टामॉल या फिर लिप 52। तो इसका सही उत्तर होगा पैरास्टामॉल। पैरास्टामॉल जो होती है वो आमतौर पर ज्वर नियंत्रण के लिए जो है प्रयोग की जाती है, ठीक है। बहुत बढ़िया। अगला हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? तो कौन सा है स्वस्थ अस्थियों के लिए, सभी को उत्तर बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? कैल्शियम एवं विटामिन डी। ये स्वस्थ जो है अस्थियों के लिए उपयोगी होता है। इसका डी नंबर का जो उत्तर है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है? जल्दी से हमें बताना है विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का नाम क्या है। तो स्कर्वी। स्कर्वी यानी कि जो विकल्प नंबर ए है वो इसका सही हो जाएगा। शरीर में विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। इसमें दांत के मसूड़ों से खून आने लगता है तथा जख्म जल्दी नहीं भरते। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक। आपसे पूछा जाता है ये क्वेश्चन, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। यह खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। आंवले में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। तो सभी को याद रख लेना। आपसे पूछा भी जा सकता है कि विटामिन सी किस, निम्न में से बताइए किस में सबसे ज़्यादा विटामिन पाया जाता है? तो आंवले में सबसे ज़्यादा विटामिन पाया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। और विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है वो एस्कर्वी रोग होता है। ये इतने तीन चार क्वेश्चन आपके यहाँ से कवर होते हैं, इनको याद रखना है। वायरस संक्रमण से होने वाला रोग कौन सा है? जल्दी बताओ, प्रश्न क्रमांक 32 का उत्तर बताना है। वायरस संक्रमण से होने वाला जो रोग है वो है जुकाम, यानी कि जो विकल्प नंबर सी है वो इसका सही होगा। जुकाम वायरस से होने वाला संक्रमण है, जबकि टाइफाइड, कॉलरा तथा मलेरिया जल जनित रोग हैं। जुकाम ऊपरी श्वसन तंत्र का आसानी से फैलने वाला संक्रामक रोग है। इसके लक्षणों में खांसी, गले की खराश, नाक का स्राव और ज्वर आता है। यह आमतौर पर एक सप्ताह में समाप्त हो जाता है। इसका मुख्य विषाणु है राइनो वायरस। तो सभी को याद रख लेना है कि जो वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है वो जुकाम, यानी कि जो विकल्प नंबर सी है वो इसका सही होगा। नेक्स्ट है, समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? जल्दी से बताओ, समुद्री जो शैवाल होता है किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? क्लोरीन का, आयोडीन का, ब्रोमीन का या फिर लोहे का? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आयोडीन का, यानी कि जो विकल्प नंबर सी है वो इसका सही हो जाएगा। समुद्री शैवाल आयोडीन के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। इसकी कमी से गॉइटर यानी कि घेंगा रोग हो जाता है, जिसमें थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। समुद्री शैवालों में आयोडीन की प्रचुरता वाले शैवाल है ना, नेमनेरिया या सेवार है। यह व्यापक रूप से चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है। तो सभी को याद रख लेना है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? घेंगा या फिर गाइटर इसे कहा जाता है। और समुद्री शैवाल जो है किसका महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है? तो आयोडीन का माना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते, पोलियो का कारण है, तो पोलियो का कारण क्या है?
विषाणु, विषाणु यानी कि जो विषाणु विकल्प इसका सही सही माना जाएगा है ना, विकल्प नंबर बी पोलियो का कारण। पोलियो के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वर्तमान में कौन है, अमिताभ बच्चन, याद रख लेना। पोलियो विषाणियों विषाणु के कारण होता है। पोलियो का वायरस भोजन पानी के साथ शरीर में प्रवेश करते हैं तथा तंत्रिका तंत्र को क्षतिग्रस्त कर देते हैं, इसमें मांसपेशियां में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। तो पोलियो का कारण क्या है, विषाणु। अगला हमारा प्रश्न है, जल जनित रोग है, जल जनित रोग कौन सा है, जल्दी बताओ। अतिसार, रक्तअल्पता, छोटी माता या फिर मस्तिष्क ज्वर। जो जल जनित रोग है वो कौन सा है, वो है अतिसार, यानी कि जो विकल्प नंबर एक है वो इसका सही होगा। जल जनित बीमारियां जल में उपस्थित सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु, विषाणु, अमीबा के कारण होता है। अतिसार रोग जल के द्वारा उत्पन्न होता है, जबकि छोटी माता, मस्तिष्क ज्वर विषाणु द्वारा और रक्तअल्पा लोहे की कमी से होता है। ठीक है, ये सारे के सारे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। धूम्रपान से होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है, जल्दी से बताना। तपेदिक, अल्सर, कैंसर फेफड़ों का या फिर अनिद्रा, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, तो जल्दी से कमेंट में लिखें। तो धूम्रपान से जो होने वाला रोग है धूम्रपान से, वो फेफड़े तथा मुख का कैंसर हो जाता है। कैंसर विषाणु जन्य रोग है, इसके अंतर्गत ऊतक नष्ट होने लगते हैं, परिणाम स्वरूप चोट घाव जल्दी भरते नहीं हैं और वे बढ़ते रहते हैं। तो सभी को याद रख लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है। प्रश्न क्रमांक 37 का उत्तर सभी को बताना है। चूहों के द्वारा फैलने वाले जो रोग हैं वो कौन से हैं, तो वो है प्लेग, यानी कि जो विकल्प नंबर सी है इसका सही हो जाएगा। चूहों द्वारा फैलने वाला रोग है प्लेग। प्लेग के वायरस को पिस्सू कहते हैं तथा पिस्सू परजीवी के रूप में चूहों पर निर्भर रहते हैं। प्लेग से शरीर के फेफड़े तथा लाल रक्त कणिकाएं प्रभावित होती हैं। तो चूहों के द्वारा जो फैलने वाला रोग है वो है प्लेग, यानी कि जो विकल्प नंबर सी है वो इसका सही होगा। रोनाल्ड रॉस का संबंध निम्न में से किससे है, जल्दी से हमें बताना। प्रश्न क्रमांक 38 का, रोनाल्ड रॉस का संबंध हैजा, ट्यूबर क्यूलोसिस, चेचक या फिर मलेरिया। तो उत्तर होगा मलेरिया। रोनाल्ड रॉस का संबंध है मलेरिया से। प्रसिद्ध ब्रिटिश चिकित्सक थे, उन्होंने 1902 में मलेरिया बुखार के परजीवी प्लाजेमोडियम की खोज के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया। मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है, जो इस परजीवी को मनुष्य के शरीर में छोड़ता है। इसमें रोगी को सर्दी, सिरदर्द के साथ साथ बुखार भी आता है। सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त कुनेन नामक औषधि का उपयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है। तो सभी को याद रख लेना है कि जो रोनाल्ड रॉस का संबंध है वो किससे है, तो वो मलेरिया से है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन संक्रामक रोग नहीं है। तो कौन सा नहीं है संक्रामक रोग, वो है टिटनेस। टिटनेस यानी कि जो विकल्प नंबर डी है ये सही होगा। टिटनेस संक्रामक रोग के अंतर्गत नहीं आता, जबकि डेंगू, मलेरिया एवं पोलियो संक्रामक रोग के अंतर्गत आते हैं। टिटनेस रोग में कंकाल पेशियों को नियंत्रित करने वाली तंत्रिका कोशिकाएं प्रभावित होती हैं। यह बैक्टीरियम क्लॉस्ट्रिडियम नामक बैक्टीरिया से होता है। टिटनेस का अन्य नाम है धनुष टंकार एवं लाकजा। ठीक है, तो सभी को याद रखना है। इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। डेंगू रोग का वाहक है, डेंगू रोग सभी लोग जानते होंगे डेंगू, और डेंगू रोग का जो वाहक है वो एडीज मच्छर है, यानी कि जो विकल्प नंबर ए है वो इसका सही होगा। डेंगू रोग एडीज मादा मच्छर के काटने से होता है। एडीज मच्छर को टाइगर मच्छर भी कहते हैं। यह एक विषाणु जनित रोग है। डेंगू के बुखार में रोगी को ठंड लगने के साथ तेज बुखार आता है। इसके अलावा आंखों में सूजन, सिर एवं जोड़ों में दर्द होता है, इसलिए डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। ठीक है, और एक टाइगर मच्छर के काटने से होता है डेंगू जो रोग होता है, एडीज मच्छर या फिर इसे टाइगर मच्छर भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, छोटी माता एवं रेबीज रोग का कारण क्या होता है। छोटी माता और रेबीज रोग का जो कारण होता है वो होता है वायरस। वायरस यानी कि जो विकल्प नंबर एक है वो सही हो जाएगा। छोटी माता, एड्स एवं रेबीज रोग विषाणु के कारण होते हैं, है ना। अन्य शोध पेचिश आदि रोग प्रोटोजोआ अमीबा के कारण और टाइफाइड बैक्टीरिया के कारण होता है। तो इतने महत्वपूर्ण जो प्रश्न थे वो यहाँ पर हमने चर्चा की है। और भी हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या है, हम भोजन करते हैं एवं पाचन होता है, इस पचित भोजन के उपयोगी पदार्थों का अवशोषण होता है, तो इसका सही उत्तर होगा छोटी आंत की दीवार से, यानी कि विकल्प नंबर बी। शरीर में पचे हुए भोजन के उपयोगी पदार्थों का अवशोषण छोटी
छोटी आंत की दीवारों से होता है। पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर छोटी आंत की दीवार में स्थित वाहिकाओं में चला जाता है। छोटी आंत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहते हैं। दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं। यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा कथन गलत है, जल्दी से हमें बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा बी, चावल वनस्पति तेल का अच्छा स्रोत है। ये जो है गलत है, चावल वनस्पति तेल का स्रोत नहीं बल्कि धान की भूसी वनस्पति तेल का अच्छा स्रोत है ना। तो याद रख लेना विकल्प नंबर बी इसका सही हो जाएगा। दालों में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है, बिल्कुल होता है। क्विनीन जो कि एक मलेरिया की औषधि है, सिनकोना नामक पौधे से प्राप्त होती है। हरी सब्जियां विटामिन एवं खनिज लवणों का अच्छा स्रोत है। तो ये जो है चावल वनस्पति तेल का अच्छा स्रोत, ये गलत है क्योंकि जो धान की भूसी होती है वो वनस्पति तेल का अच्छा स्रोत मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, दूध का पाश्चुरीकरण कैसे किया जाता है, हमें जल्दी से बताना है। दूध का पाश्चुरीकरण कैसे किया जाता है, तो इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर डी, 71 अंश सेंटीग्रेड पर 15 सेकंड तक या 62 अंश सेंटीग्रेड पर 32 मिनट तक गर्म करके जो है दूध का पाश्चुरीकरण करने के लिए दूध को 71 अंश सेंटीग्रेड पर 15 सेकंड तथा 62 अंश सेंटीग्रेड पर 32 मिनट तक गर्म किया जाना चाहिए। दूध का पाश्चुरीकरण करने से दूध में उपस्थित जीवाणु तथा बीजाणु मृत हो जाते हैं। सभी को याद रख लेना है, मलेरिया रोग होता है तो किसके कारण होता है, सभी को पता है कि प्लाजोमोडियम फाल्सीपेरम, फाल्सीपेरम के कारण होता है। मलेरिया एक वाहक जनित संक्रामक रोग है। यह रोग प्लाजोमोडियम फाल्सीपेरम नामक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण फैलता है। मलेरिया के परजीवी का वाहक मादा एनफिलीज मच्छर है। इसके काटने पर मलेरिया रोग मलेरिया के परजीवी लाल रक्त कोशिकाओं में प्रवेश करके बहुगुणित होते हैं जिससे रक्तहीनता के लक्षण उभरते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आपके सिलेबस के अनुसार ये जो हैं बहुत बढ़िया हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है, जल्दी से बताना है। प्रश्न क्रमांक 46 का उत्तर क्या होगा, तो 46 का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा टाइफाइड। टाइफाइड दूषित जल पीने से जो है फैलती है। टाइफाइड रोग दूषित जल पीने से फैलता है। इसे आंत्र ज्वर, आंत का बुखार भी कहा जाता है। यह रोग साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से होता है जो दूषित जल में पाया जाता है। तो आपको याद रख लेना है, दूषित जल पीने से जो बीमारी होती है वो है टाइफाइड, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो इसका सही हो जाएगा। तंबाकू की आदत किससे होती है, तो तंबाकू की जो आदत होती है वो निकोटीन से होती है, यानी कि जो विकल्प नंबर सी है वो इसका सही हो। तंबाकू के नियमित सेवन से उसमें उपस्थित निकोटीन के कारण तंबाकू खाने की क्या पड़ जाती है, आदत पड़ जाती है। तो सभी को याद रख लेना है, निकोटीन के कारण तंबाकू की आदत होती है। पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, जल्दी से बताना है। तो पल्स पोलियो कार्यक्रम का जो उद्देश्य है, पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना, पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना इसका उद्देश्य है। पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी, तो 1995-96 में शुरू किया गया था पल्स पोलियो कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन या फिर पोलियो को समाप्त करना। 24 फरवरी 2012 को भारत को जो है पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया। आपसे पूछा जा सकता है कि पल्स पोलियो कार्यक्रम कब शुरू किया गया, तो 1995-96 में, और भारत को पोलियो मुक्त कब घोषित किया गया, तो 24 फरवरी 2012 को। पल्स पोलियो कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर महानायक अमिताभ बच्चन को नियुक्त किया गया है। सभी लोगों को याद रख लेना है, इतने सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। निम्न में से कौन सा अलग समूह से संबंधित है, स्कर्वी, रतौंधी, रिकेटस या फिर रेबीज। तो उत्तर होगा विकल्प नंबर डी, स्कर्वी, रिकेटस एवं रतौंधी रोग क्रमशः विटामिन सी है ना एवं विटामिन डी और विटामिन ए की कमी से होता है, जबकि जो रेबीज है ये कुत्ते के काटने से होते हैं। तो सभी को याद रख लेना है कि जो स्कर्वी है ये विटामिन सी की कमी से होता है, रिकेटस विटामिन डी की कमी से होता है, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, जबकि जो रेबीज है
ये कुत्ते के काटने से होता है। तो इस प्रकार से कई खुले में शौच मुक्त ODF राज्य है, तो इसका सही उत्तर होगा केरल, है ना। केरल 100% खुले में शौच मुक्त ODF राज्य है, यानी कि जो विकल्प नंबर सी है वो इसका सही हो जाएगा, ठीक है। भारत में सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और केरल 100% खुले में शौच मुक्त ODF राज्य हैं। तो यहाँ पर हमने महत्वपूर्ण लगभग 30 प्रश्नों पर डिस्कशन किया, जो कि पर्यावरण, हमारा भोजन, आपका जो टॉपिक है उससे संबंधित हैं, जिसमें प्रोटीन और बहुत सारी बीमारियों के बारे में, बहुत सारे विटामिन्स के बारे में हमने जाना, और ये कई प्रकार के ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये क्रमशः हमारा अध्ययन चल रहा है, ये हमारा प्रैक्टिस सेट 3 था, जिसमें हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों को जाना, महत्वपूर्ण बातों को जाना। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, लाइव क्लास से जुड़ना है, साथ ही टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको सर्च करना है, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है और उसमें सर्च करना है IAS स्टडी ट्रिक, ठीक है, और ज्वाइन हो जाना है। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है। आज के वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद।